सोशल डेवलपमेंट उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सोशल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं क्या। पहला है सोशल जस्टिस, सोशल मतलब सोसाइटी, सोसाइटी मतलब ग्रुप, लोगों का ग्रुप, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब उनके साथ कुछ अन्याय ना हो। इकोनॉमिक क्वालिटी, इक्वालिटी, इकोनॉमिक बेस पर मतलब एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो मतलब छोटे वालों को जो नीचे हैं उन्हें थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, डिफरेंट वेज में आप कोशिश कर सकते हो। हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा अच्छा। कल्चरल इक्वलिटी मतलब दूसरे जो कल्चर के लोग हैं उन्हें किसी तरह से नीचे ना दिखा जाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये होता है कल्चरल इक्वलिटी। आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं सबको। सोशल जस्टिस में सोशल जस्टिस जो है उसमें अंडर प्रिविलेज सेक्शन, अंडर प्रिविलेज मतलब जो लोअर सेक्शन है सोसाइटी का, मतलब जो पीछे रह गया हर चीज़ में, वो जिसे चीज़ें नहीं मिली वो अंडर प्रिविलेज है। अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड गेट इक्वल राइट फॉर कैरिंग ऑन एनी जॉब, उन्हें कोई भी जॉब करने के लिए इक्वल राइट मिलना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं है कि बाहर कर दिया जाए किसी सेक्शन से, किसी एरिया से या किसी जॉब से, मतलब उन्हें इक्वल राइट मिलना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। जैसे पहले होता था ना अनटचेबल, ये का ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बस वो हर चीज़ से दूर रहेंगे, तो इस चीज़ों को हटाया गया। तो सोशल जस्टिस तभी होगा ना, दे शुड ऑल्सो गेट जस्टिस एंड लीगल एड, लीगल मतलब कानून, कानून की जो सहायता है अगर कोई चीज़ अन्याय हो रहा है तो वो ले सकें। लीगल एड फॉर एनी इनजस्टिस मैट, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उन्हें लीगल एड भी वो ले सकें। तो योगा सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी में होता क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब सोशल डेवलपमेंट सीक्स टू ब्रिंग्स इकोनॉमिक इक्वलिटी टू द पुअर सेक्शन। पुअर सेक्शन में कोई तो ऊपर उठाना है ना, ऊपर वाले को नीचे नहीं गिराना है, तो सीक इक्वलिटी टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर सेक्शन है उसे इक्वलिटी में लेकर ऊपर लेके आना है। इट रिक्वायर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसी सुविधा उन्हें दे सकते हो, मतलब फ्री में ऐसे चीज़ें नहीं है, बट उन्हें उस लायक बनाना है, कुछ हेल्प करनी है जैसे वो बिजनेस अपना कर सकें या कुछ काम कर सकें। तो बेसिक अगर एजुकेशन दी जाएगी तो अपना काम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, लिविंग स्टैंडर्ड कौन किन का बढ़ाना है, जो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, अब वो खुद का नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लिटरेसी रेट वहाँ बहुत कम होती है, तो वो कुछ नई चीज़ें को नहीं कर पाते, वो लेबर का ही काम कर पाते हैं, लेबर को काम ना मिले तो वो भी काम ख़त्म। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी लेके आने के लिए हमें जैसे वो एजुकेशन का सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब पुअर सेक्शन को लिविंग स्टैंडर्ड में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन। अब अगर हेल्थ की सुविधा मिलेंगी, मतलब कोई अगर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो बीमार नहीं होंगे और वो अच्छे से मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो काम कर सकेंगे। एजुकेशन रहेगी तो फिर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे फिर वो। इट शुड बी इंश्योर दैट द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गेट्स प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशन। लोअर सेक्शन को जो सोसाइटी है प्रॉपर हेल्थ उसकी मेंटेन होनी चाहिए, कैसे कि जैसे कि हम आसपास जैसे कि फैसिलिटीज़ दे, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे जिस पर ज़्यादा खर्च ना करना पड़े और उन्हें कुछ दिक्कत हो तो वो ज़्यादा लग सके, और एजुकेशन प्रोवाइड करें फ्री में, अगर बच्चों को एजुकेशन दे दें, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो ज़्यादा दिनों के लिए वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर आ जाएंगे, सो दैट दे कैन कम्पीट कर सके विद अदर पीपल इन द सोसाइटी। अगर उनकी हेल्थ और एजुकेशन सही हो जाएगी तो वो दूसरे सेक्शन के साथ भी अच्छे से रह सकेंगे, मतलब उसके साथ तो खड़े हो सकेंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन है अभी तो बस खाने पीने का एक काम चल रहा है तो वो भी बड़ी मुश्किल चल रहा है, फिर एक स्टैंडर्ड लेवल आगे बढ़ जाएगा अगर हेल्थ एंड एजुकेशन पे फोकस कर दिया जाए तो। कल्चरल इक्वलिटी। कल्चरल इक्वलिटी का मतलब क्या है, देर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, रीजनल आइडेंटिटी, कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। जैसे कि जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं या साउथ वाले हैं, नॉर्थ में आते हैं तो कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई अलग हो जाता है, जैसे कास्ट के बेस पे कुछ ना कुछ अलग कर उसे डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है लोगों को, रिलीजन जैसे हिंदू है या माउंटेन है या इन सब चीज़ों पर अब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए तभी सोशल डेवलपमेंट होगा। और सोशल स्टेटस मतलब कोई इसमें इकोनॉमिक उसका कैसा स्टेटस है, कोई अच्छे पैसा वाला है या नहीं है, मतलब इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। अगर इन्हें हटाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए, नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल्स, तो सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये थे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट।